हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा S7H के सॉफ्टवेयर अपडेट की। जैसे कि S7H के यूज़र्स अभी वेट कर रहे हैं ओरियो अपडेट की, जो कि इसी मंथ आने वाली है। बट उस ओरियो अपडेट से पहले एक स्मॉल अपडेट आई हुई है S7H के लिए, जो 97 MB की है। इसमें इसके जो चेंजेस है वो मेंशन किए गए हैं कि स्टेबिलिटी इंप्रूव करते हैं और न्यू और इम्प्रूव एनहांस फीचर हो सकते हैं इसके अंदर। और बेसिकली जो मुझे लगता है कि ये एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है, जो कि 2-3 मंथ के बाद ज़्यादातर फ़ोन जो फ्लैगशिप फ़ोन रहे हैं उनमें आ जाता है। तो ये उसी टाइप की अपडेट है, या ये अपडेट इसे ओरियो के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी एक अपडेट हो सकती है, कि ओरियो के लिए इसे प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि मैंने पास्ट में देखा है तो वो भी ये हो सकती है। तो मैंने इसे डाउनलोड कर दिया हुआ है, तो अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं कि फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है और इसे इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्मॉल अपडेट है। फिर भी देखते हैं। और जो ओरियो अपडेट की अगर हम बात करें, तो जो इसकी उम्मीद है अपडेट की, वो एंडिंग ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल तक आ जानी चाहिए। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी रोल आउट सेम टाइम पे ही होता है। जो ये S7H में यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्चुअली दुबई का मॉडल है, बट इसमें जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं इंडिया का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो दुबई का जो सॉफ्टवेयर था उसमें वोल्टी ही सपोर्ट नहीं था आउट ऑफ द बॉक्स। तो उसमें हमें वो जियो 4G वॉइस ऐप यूज़ करनी पड़ती थी। तो अब मैसेज जो भी यूज़र्स इंडिया का फर्मवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें अपडेट अभी तक आ जानी चाहिए। ये आपको सेटिंग में जाके एक बार उधर मैन्युअली अपडेट के ऑप्शन में जाके ही अभी आपको दिखेगी। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, 75% पूरा हो चुका है। और जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी फास्ट इंस्टॉल हो रहा है ये। मैंने कोई इसमें स्पीड इंक्रीज नहीं की है वीडियो की, तो ये नॉर्मली आप देख सकते हैं कि काफ़ी फास्ट इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं वीडियो इसके बाद आपको बताऊंगा कि जो इसमें जो सिक्योरिटी पैच है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जो पहले जो मुझे याद है कि इसमें जनवरी का सिक्योरिटी पैच था। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन सा सिक्योरिटी पैच शो कर रहा है। और अगर आप S7H के यूज़र हैं, तो मैंने S7 के रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ डाल दी है, जो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए। जैसे कि अगर आप स्क्रीन गार्ड के इशू आपको आ रहा है कि आप केस के साथ स्क्रीन गार्ड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई है। और उसके अलावा काफ़ी जो फीचर्स है या काफ़ी जो ट्रिक्स है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है जो S7H के रिलेटेड है, और इसका कंपैरिजन भी किया है आईफोन एंड अदर स्मार्टफोन के साथ। तो आप ज़रूर वो भी चेकआउट कीजिएगा। तो अब बूट अप हो रहा है डिवाइस। और अगर आपको ओरियो अपडेट की भी सबसे पहले न्यूज़ चाहिए या अपडेट चाहिए कि कब जब रिलीज़ होता है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही ओरियो रिलीज़ होगा, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। आप जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ एंड्रॉयड अपग्रेडिंग आ रहा है, और यहाँ पे आ गया कि सॉफ्टवेयर अपडेट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो पहले मैं देखता हूँ कि कोई मुझे इसमें फिजिकल या विजुअल चेंज नोटिस हो रहा है या नहीं। खाली मुझे इसमें अभी थोड़ा सा फ़ोन स्लगिश लग रहा है, मे बी कि अभी ये अच्छी तरह इंस्टॉल नहीं हुआ। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर अभी इंस्टॉल हो रहा है, इस वजह से थोड़ा स्लो लग रहा है फ़ोन। उसके अलावा मैं आपको शो करूँगा
जो सिक्योरिटी पैच कौन सा इसमें है। आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको बताया था कि इसमें पहले जनवरी का सिक्योरिटी पैच था, अब इसमें मार्च का सिक्योरिटी पैच शो कर रहा है। हालांकि एंड्रॉयड वर्जन 7.0 ही है, 7.1 नहीं है। तो अगर हम इसको एक बार फिर से हम सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करें कि कोई और अपडेट इशू तो नहीं कर रहा, तो हम देख सकते हैं। अभी ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि आई थिंक इसको थोड़ा टाइम चाहिए सेटल डाउन होने के लिए। तो वो चीज़ की वजह से अभी ये वर्क नहीं कर रहा, थोड़े टाइम के बाद ये चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको इस अपडेट के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे एवरेज के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।